आप उससे मोहब्बत की तवक्का कर ही क्यों रही हैं? मैं तवक्का नहीं कर रही, मैं तो भीख मांग रही हूँ। बस कर दें अम्मी, बस कर दें। यकीनन ये सब कुछ तो आप मुझे बहुत कम बता रही हैं। सलमान को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब वो बदतमीजी पर आता है तो बदलिहास भी हो जाता है। अभी देखती हूँ मैं इसे। नहीं रुक, नहीं, तुम सलमान को कुछ नहीं कहोगी। भला मोहब्बत मांगने से कब मिलती है? अगर वो आपकी कदर नहीं कर रहा, तो मैं तो हूं ना आपकी बेटी। क्या अपनी बेटी से आपकी ममता की तस्कीन पूरी नहीं होगी? तुम्हें पता है सलमान, ये वॉच मैंने तुम्हें क्यों गिफ्ट किया है? क्यों? ताकि तुम टाइम देख के नेक्स्ट टाइम घर पर जल्दी आ सको। बल्कि एक और स्पेशल बात भी है इस वॉच की। अच्छा, वो क्या? इस वॉच में मैंने सबके बर्थडे अलार्म सेट कर दिए। अच्छा, लेकिन मुझे तो किसी का बर्थडे याद रखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा बर्थडे याद रखना है। मुझे पता था, इसीलिए इस वॉच में सिर्फ तुम्हारा और मेरा रिमाइंडर सेट है। Really? Thank you so much, Aruj, for making my day. You know what? I love you so much. I love you too. छोटे साहब, आपकी चाय लगा दी है, चले चल के पी लें। कहाँ लगाती है? वही जी, जहाँ पे रोजाना शाम को आप पीते हैं। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ लेकर आओ मेरी चाय। जी। ये लो, तुम्हारा गिफ्ट। मॉम, ये क्या है? खुद खोल के देखो।
कैसा लगा? मॉम ये बहुत क्यूट है आंटी, बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया है आपने सलमान को। तुम्हें पता है सलमान, ये तुम्हारी फर्स्ट बर्थडे का गिफ्ट है। थैंक यू अगेन मॉम, लव यू। हेलो, क्या मुसीबत है मुसरत, क्यों बार बार फोन कर रही हो? तुम्हें बताया कि फोन मत करो, मैं घर पे हूँ, तुम्हारी बात समझ नहीं आती। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो द्रीस? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, बुरा मत मानो, ये बताओ क्या बात है? मुझे कोई काम नहीं है, तुम्हारे बेटे ने जिद लगा रखी है कि बाबा को बुलाए, मुझे घूमने जाना है। अरे तुम बहला लो उसे, मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ? मैंने तो उसे पहले यही कहा, खुद ही बहल जाओ बेटा, बाप तो हमें घुमा ही रहा है कब से, झूठ पे झूठ बोल बोल के। जानती तो हो रोज रोज आना आसान बात थोड़ी है, कोई मैं मसरूफ हूँ यहाँ पे ना। इदीस तुमने तो मुझसे कहा था कि शादी के बाद तुम कराची शिफ्ट हो जाओगे, ये मुझे इस्लामाबाद बुला लोगे अपने पास। यहाँ हमारा बच्चा 10 साल का हो गया है, लेकिन तुमने तो अपना कोई भी वादा पूरा किया ही नहीं। बोलो, है कोई जवाब इस बात का तुम्हारे पास? अच्छा अच्छा, आप चुप हो जाओ, एक आध रोज में तुम्हारी तरफ आऊंगा, आराम से बैठ के बात करेंगे। अब हाँ जी जी जी, मैंने अपने पीए से कह दिया है, वो आपको ईमेल कर देगा, आप फिक्र नहीं करें, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे शाइस्ता, खैरियत है? आप यहाँ कोने में किससे फोन पे बात कर रहे थे? अब वो सिग्नल नहीं आ रहे थे ना, चल जी। ठीक है द्रीस, इस बार तुम कराची आ जाओ, आमने सामने दो टूक बात हो ही जाए। अब